गुड मॉर्निंग गाइस, जो आज का वीडियो रहने वाला आपने तो मेल पे देख ही लिया होगा। तो आज मैं करने वाला हूँ अपना चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट। बेसिकली पुश पुल लेग जो वर्कआउट होता है, मैं उसका पुश पार्ट लेने वाला हूँ। तो पुश में बेसिकली तीन एक्सरसाइज होती है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। तो मैं ट्राइसेप्स को कंसिडर नहीं करूँगा, जस्ट चेस्ट एंड शोल्डर रहने वाली है। तो अपने दोस्त के जिम में मैं जाने वाला हूँ, तो अराउंड 10 o'clock मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, क्योंकि उस टाइम पर क्राउड नहीं होता है। तो इसलिए मेरा शूट जो हो जाएगा वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, और मेरा एक दोस्त रहेगा जो मुझे हेल्प करेगा आज वीडियो शूट करने में और मेरे वर्कआउट कराने में। तो वही सब चीज़ें रहेगा आज की वीडियो में। तो मेरा नाम है अविनाश कुमार, चैनल पे नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए चलते हैं जिम में, मिलते हैं जिम में। अब ये 10 बजे हुए हैं, तो उससे पहले मैं अपना प्री वर्कआउट पी लेता हूँ। प्री वर्कआउट में मैं गाइस क्या लेने वाला हूँ, अपना हेल्थ एनर्जी ड्रिंक। तो थोड़ा वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मूड भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मूड भी अच्छा रहेगा, वर्कआउट भी अच्छा रहेगा। थोड़ा हैवी लिफ्टिंग करने वाला हूँ आज मैं चेस्ट पे, देखते हैं कितना मारते हैं, क्या सब रहेगा। चलो गाइस चल। सो गाइस चलिए चलते हैं अपने जिम की तरफ। सो गाइस ये हमने अपना स्टील का पहाड़ बनवाया हुआ है। वो मेरा प्लान था एक्चुअली श्रीनगर जाने का, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो पापा ने कहा एक पहाड़ घर पे बना देते हैं, इस पर हम बर्फ लगा के सर्दियों में फ़ोटोशूट किया करेंगे। तो लेट्स डिसाइड कौन सी गाड़ी लेके जानी चाहिए या बाइक लेके जानी चाहिए। ये वाली गाड़ी तो थोड़ी गंदी है, तो इसे तो मैं नहीं साफ़ करने वाला, ये थोड़ी साफ़ है। तो गाइस चलो बलेनो लेके चलते हैं। चलो अब मिलते हैं अपने जिम में, इतना म्यूजिक एंजॉय कीजिए, ज़्यादा मैं नहीं सुना सकते, इतने सुनिए। यह है जिम और इस टाइम काफ़ी खाली है, तो मेरा फ्रेंड यहीं पे कहीं जिम कर रहा होगा और आज मैं भी यहीं पे वर्कआउट करने वाला हूँ। ओ माय गॉड, देयर इज माय फ्रेंड। सो क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों ये है मेरा दोस्त जो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा है और आज यही मुझे हेल्प करने वाला है पूरे वर्कआउट में। और बॉडी देख ही रहे हो आप और मुझे डर लग रहा है कि कैसा वर्कआउट होने वाला है, थोड़ा हैवी रखने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। चलो चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, वार्म अप लेंगे थोड़ा सा। गाइस अब जैसा कि हमने वार्म अप कर लिया, वार्म अप में आप थोड़ा बहुत और करना चाहो तो कर भी सकते हो। और उसके बाद हम जो सेट रखने वाले अपने शोल्डर देन चेस्ट रखेंगे। शोल्डर में 4 सेट रहने वाले हैं, फ्रंट कवर करेंगे, रियर कवर करेंगे, मिडिल कवर करेंगे और उसके बाद एक ट्रैप्स रहने वाला है। उसके बाद हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट में अगेन 3 एक्सरसाइज रहने वाली है, जो आपकी बेंच प्रेस रहेगी ना सबसे पहले, बेंच प्रेस देन इंक्लाइन, डिक्लाइन और बटरफ्लाई ले लेंगे या केबल क्रॉस ले लेंगे। तो उसके तरफ अब हम चलते हैं। तो अब मैं भी टी शर्ट उतारता हूँ, मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, बाइसेप्स के डोले देख। अब मैं उतार दूँ अपनी टी शर्ट। ओ माई गॉड, तो चलो गाइस चलते अपने वर्कआउट की तरफ। जी सो गाइस ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेट यहाँ पे आई थिंक 15 to 17 kgs है, तो थोड़ा नॉर्मल है, आपके लिए हैवी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। करना कैसे है यहाँ पे देखना है, ग्रिप ये रखनी है, देन पुश। बढ़िया। सो गाइस ये था रियल डेड का और मेरी हालत आप देख ही रहे हो, काफी हैवी वर्कआउट है और लग रहा है आज मेरे शोल्डर फट जाने वाले हैं। तो चलो सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारी मिडिल डेल्टॉइड के लिए, साइड लेटरल रेज बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने डंबल 5 kgs के लिए हैं और सेम पोजीशन अब मैं करने वाला हूँ और देखते हैं अब कैसे रहेगी। इसके जो रैप्स रखेंगे हम वही 10 to 12 reps ले जाने हैं और शोल्डर से ऊपर इसे लिफ्ट नहीं करना है, आप देख रहे हो एग्जैक्ट पोजीशन यही होनी चाहिए तभी आपके मिडिल डेल्ट पे आएगा। चलो अब मैं करता हूँ। देख रहे हो आपको ये करना है, लास्ट टाइम मैं थोड़ा गलत कर रहा था।
दिख रहा था 5 के ही है। ये भी लाना है क्या? हाँ, वाले ये हमारा ग्रूटिंग स्कैप है, ठीक है। सो ये किसी प्रोफेशनल बंदे के लिए नहीं है कि वह किसी बंदे सिखाया हुआ है, लिखा हुआ है। जैसा जिसका पार्ट एक्टिव होता है वो साथ करता है। सो सबसे पहले पोजिशन करने के लिए हमें थोड़ा हिप्स को बाहर रखना और अपनी लोअर बैक को थोड़ा मूवमेंट में रखना। तो बैंड ओवर होना और ये मूवमेंट ये होने वाला है। आप चाहे डबल ऐसे कर सकते हैं और आप चाहे डबल ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों में आपका दो रेडर एक्टिव होगा। ये एक्टिव हो गया, रेडर आप देख सकते हो। सो एक पोजिशन ये हो गई इस मूवमेंट में, एक इसमें ये मूवमेंट या आपके फ्रंट और लेटरल में दोनों में जाए। सो ये आप ऐड कर सकते हो। काफ़ी टाइम तक आपने अगर नई एक्सरसाइज नहीं की तो तो अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अपनी फ्लैट चेस्ट प्रेस बोलते हैं, फ्लैट बेंच बोलते हैं, तो अब दोनों कर सकते हैं। सो ये वेट इंक्रीज करने वाला अपने अकॉर्डिंग। तो कभी भी रिस्क मत लें क्योंकि 20 किलो की रोड होती है। तो 20 किलो की जब रोड हो जाती है और प्लस में आप वेट लगाते हो तो वेट बढ़ने वाला ही है। ये अब लगभग 40 हो गया, 40 प्लस 20 तो 60 केजी आपका वेट हो गया। तो आप अगर हाँ बिल्कुल, तो नॉर्मली पोजीशन में जो गड़बड़ होती है वो होती है, बट लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे करना है। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले आपको ग्रिप करना है। ग्रिप आपकी मिडिल ग्रिप होनी चाहिए हमेशा, कभी भी ज़्यादा नहीं। और सुसाइड ग्रिप यूज़ नहीं करनी, जो ये सुसाइड ग्रिप होती है ऐसे वाली, ये वाली कभी यूज़ मत करना। तो आपके चेस्ट के ऊपर गिर जाएगी तो आपके रिब्स टूट सकते हैं इसके अंदर। तो हमेशा ये वाली ग्रिप जो नॉर्मल ग्रिप होती है वो रखनी है, इसको हुक ग्रिप भी बोलते हैं। तो ये हो गया पोजीशन। जस्ट एक सेकंड, पोजीशन को होल्ड करते हुए आपको देखना इस तरह। सबसे पहले आपकी लेग्स जो हैं वो होल्ड होनी चाहिए, आपके हिप्स हमेशा टाइट होने चाहिए और आपकी लोअर बेल्ट जो है ये जो हिस्सा है हमेशा उठा हुआ होना चाहिए ताकि आपके चेस्ट के ऊपर जो लोड है वो आपको करेक्ट आए। तो ये आपको सही पोजीशन बताने वाला है आप कैसे करेगा। सो ये देखो, जस्ट आपकी मर्जी है, चेस्ट पे टच करना चाहते हो तो टच करो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पोजीशन और वेट अपने अकॉर्डिंग उठाना है। इसकी कैपेसिटी है तो ये उठा सकता है। और मिनिमम से मिनिमम जो रैप रखने हैं हमें वो रखने हैं कम से कम 10, 12, 15। और से आप जा सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट इतने रैप से कम नहीं रखना। लास्ट सेट लगा रहा है जिसमें अपने अकॉर्डिंग वेट बढ़ा रहा है। तो ये अब अप्रोक्स ये 40, 40, 80 और 20, ये 100 केजी हो जाएगा कंप्लीट बार के साथ। So guys, ये यहाँ पे कितना वेट हो गया भाई हमारे पास? 100 केजी हो गया कंप्लीट, मतलब 10-10 केजी के चार प्लेट हो गई। हाँ, 80 हो गया और प्लेट 20 केजी वेट वो है रोड हमारे पास। हाँ, 20 को ले सकता है। तो वेट आपकी, हाँ तो वेट अपने अकॉर्डिंग लेना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये नहीं है किसी को देखने के बाद आप ईगो लिफ्टिंग करें। तो जस्ट ये पोजीशन है इसकी, ये पोजीशन है, हल्की सी ट्विस्ट है जो पोजीशन में उसको चेंज करना है। बाकी ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ वर्कआउट कर रहा है तो इसलिए थोड़ा उसका पोजीशन का नहीं पता। बाकी जैसे कर रहा है ये जो हमारे बेसिक करते हैं वो वाली कंप्लीट होती है। थोड़े सा एडवांस हो चुका है ये तो उसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, वो अभी आप देखने वाले हो कुछ सेकंड्स के अंदर। तो गाइस जो मैंने की थी वो थोड़ा बेसिक था, अब एडवांस लेवल देखते हैं इसी में। अगर एडवांस लेवल करना है तो कैसे करना है ये देखिए। तो ये पोजीशन है आपकी, होल्ड करना है आपको यहां से। तो ये जो आपके पैर जो हाथों का मूवमेंट है वो जरूर देखना है, ये हमारा हाथों का मूवमेंट है। चलो देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब सिखाया है वो कर पाता है नहीं कर पाता, बट ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है क्योंकि ये लाइट वेट के साथ है तो इसका जो मूवमेंट है वो करेक्ट हो गया। बस थोड़ा सा दिक्कत है पर लेकिन सीख जाएगा जल्दी से, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप करते हो तो मूवमेंट हमेशा गलत होती ही है। सो ये देख सकते हो आप इंप्रूवमेंट कितना, देखो सारा लोड चेस्ट के ऊपर आ रहा है।
और अगर नहीं तो अगर आप जब इसको डंबल को वाइड कर देते हो और शोल्डर के पैरेलल चलाते हो तो आपको सिर्फ शोल्डर के थ्रू निकल जाता है वो। डन। तो अब ये हम लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये होगी केबल क्रॉस। तो ये जस्ट मोमेंट को आपको कंट्रोल करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शन करनी है। सो जस्ट अवनीश इसको होल्ड करेगा थोड़ी देर तक फ्रंट में अपने, जस्ट होल्ड कर। हाँ बहुत अच्छे। इसमें भी वेट आपको अपने अकॉर्डिंग उठाना है, यही नहीं कि आप 50 किलो लगा लें और आप पे एक भी रैप ना लगे। 10 किलो से स्टार्ट करो, 20 रैप लगाओ, तब भी आपका फॉर्म अच्छा आने वाला है। बस आज का वर्कआउट, इवन वर्कआउट तो मैं रोज ही करता हूँ, बट जो आज मेरे वर्कआउट में चेंज था काफ़ी अच्छा था। और अभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपकी अगर फिजिक अच्छी हो गई है, आपकी थोड़ी मसल्स ग्रो हो गई है, तो क्या आपको सब कुछ आ गया, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और मैं हमेशा नया सीखने का ट्राई करता रहता हूँ, इसलिए मैं आज भाई के पास आया और मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। एक्सरसाइज के मूवमेंट थे और काफ़ी सारी एक्सरसाइज मुझे पता लगा मैं काफ़ी गलत भी करता था, वो करेक्ट कराई है भाई ने। और होपफुली देखता हूँ मैं कुछ दिन तक भाई के साथ करूँगा क्या क्या मुझे सीखने को मिलता है। और रेगुलर वीडियो में आता रहूँगा अपनी, जैसा आज चेस्ट एंड शोल्डर है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रहेगा भाई, साइड बैक या बैक? बैक और हम लगाएंगे। बैक में मैं जो करता हूँ, बैक में ट्रैक और बैक दोनों इंक्लूड करते हैं साथ में, थोड़ी एडवांस लेवल भी होती है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल भी होती है उसमें। और उससे आपको फायदा क्या है कि दोनों जो बैक है कंप्लीट हो जाती है। मैं सोचता हूँ बैक को एक बार कंप्लीट पार्ट लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा थाई के पास सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, थाई से पहले सबसे बड़ा पार्ट होता है ये एक्चुअली। तो दोनों ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो आपने देखे होंगे वीक होते हैं, हमारे ट्रैक वीक होते हैं और हमारी बैक वीक होती है, तो बैक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंप्लीट बैक बताएंगे आपको जब भी ये वीडियो बनाने के लिए आएगा, जब भी बोलेगा जब वीडियो बना लेंगे हम बैठ के। बाकी कैसा वीडियो में लगा और क्या क्या मैं थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में, बट अगर आपको चाहिए कि पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बने तो कमेंट कर देना, जरूर बना देंगे आप लोगों के लिए, जैसे इसको टाइम मिलेगा वैसे बना देंगे, जैसे हमारी वीडियो रन करेंगे अच्छे से। और होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और अब हम अपना आफ्टर वर्कआउट मील लेंगे, उसमें हमारा प्रोटीन शेक रहेगा, 2-4 अंडे खा लेंगे और उसके बाद घर जाके सो जाएंगे। और लास्ट बात, जितना अच्छा वर्कआउट करते हो करो, लेकिन डाइट से अच्छा कुछ नहीं होता, तो प्रॉपर डाइट लेना, उसके बाद सप्लीमेंटेशन के ऊपर। आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है कि आप सप्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा जाते हो और डाइट कम लेते हो, तो उससे आपका रिजल्ट जो है वो आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है। इसलिए सबसे पहले